तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आंध्र प्रदेश के गुंटूर की तस्वीर है। बीती रात वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये झड़प कोपरो गांव में हुई है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे, तभी किसी बात को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया और इतना बढ़ गया। तस्वीरें बाने के लिए कि आपस में झड़प, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता, विवाद बढ़ने के बाद हिंसक झड़प में बदल गया ये पूरा मामला। और दोनों की पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। मौके पर पुलिस आई और पुलिस ने लड़ाई बंद कराने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक नहीं सुनी और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते रहे। वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के गुंटूर की हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश विसर्जन के दरमियान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे, उस दरमियान एकदम विवाद होता है और आगजनी तक की नौबत आ जाती है, झड़प हो जाती है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। पहले बहस होती है, उसके बाद झड़प होती है, एक दूसरे पर किस तरह लाठी डंडे बरसाए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में। क्या गुंटूर में हुआ है तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पास लगे सीसीटीवी की तस्वीर आपके सामने है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया, बिल्कुल। और पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और उसके सामने ही ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है, किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा तस्वीर आप देखिए, पुलिस यहां पर भीड़ को अलग करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बावजूद इसके एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। एक बिल्डिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह आगजनी की नौबत आ गई, इस बिल्डिंग को भी आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस लड़ाई बंद कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक नहीं सुनी और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या हालात वहां पर पैदा हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको झड़प के टाइम की दिखा रहे हैं। सौमित हमें जानकारी देंगे, सौमित हुआ क्या था, क्यों ये बहस हुई और एकदम से विवाद बढ़ता चला गया। जी, दो वाईएसआरसीपी और टीडीपी दो भी पार्टी के जुलूस निकल रहे थे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, एक मंडल में। और उसके बाद जब दो प्रोसेशन, दो भी गणेश प्रोसेशन एक को एक टकरा गए, जब वहां पे दो भी एक अभी प्रेजेंट एमपीटीसी और जो एक्स एमपीटीसी टीडीपी पार्टी के, दोनों के बीच में बहस हुई थी। उसके बाद स्टोन पेल्टिंग हुआ था और वाईएसआरसीपी के लोग, ये अलर्ट किया जा रहा है कि वाईएसआरसीपी के लोग टीडीपी एमपीटीसी फॉर्मर एमपीटीसी के घर में घुसकर उनके फर्नीचर तोड़कर और उसको आग लगाया गया और दो गाड़ी आग लगाया गया बोल के पुलिस बोल रही है। और टीडीपी के लोग बोल रहे हैं कि छह गाड़ी आग लगाया गया और पूरा घर जला दिया गया। इसमें अभी 144 सेक्शन इम्पोज किया गया बोल के पुलिस बोल रही है और इसमें इसके रिलेटेड केसेस भी बहुत साइड रजिस्टर किया गया और अभी फिलहाल पुलिस का डिप्लोमेट स्पॉट पे है। गया कि नहीं पकड़ा गया अभी तक पुलिस द्वारा, पुलिस वहां पर मौजूद है, उसके बाद इतनी हिम्मत की कार्यकर्ता भिड़ते ही जा रहे हैं, पुलिस के रोकने पर नहीं रुक रहे। जी बिल्कुल, वहां पे पुलिस जब डीएसपी से हमारी बात हुई थी, डीएसपी ने कहा था एक सब इंस्पेक्टर और 20 से ज्यादा कॉन्स्टेबल वहां पे मौजूद थे और उसके बावजूद एक वर्ग मतलब वाईएसआरसीपी के लोग टीडीपी के लोगों के ऊपर अटैक किया गया था, ओवर पावर किया गया था। उसके बाद जब डीएसपी को इन्फॉर्मेशन मिली थी और पुलिस वहां पे डिप्लॉय हुआ था, उसके बाद जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आया था। अभी जाकर 144 सेक्शन लगाने के बाद थोड़ा बहुत सिचुएशन कंट्रोल में आया है और पुलिस ने अभी तक ये नहीं कहा कि कितने लोग अरेस्ट हुए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। सौमित, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है अभी वो इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से जारी नहीं हुआ है। अभी बस पुलिस इतना कहे कि दो भी साइड पुलिस केसेस रजिस्टर हुए हैं और जितने भी अक्यूज रहेंगे उन लोगों को हम पकड़ेंगे। और सौमित, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में जानलेवा हमला करने पर उतारू थे, किस तरीके से लाठी डंडे एक दूसरे पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता बरसा रहे थे, क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, इस वीडियोस में अगर हम देखेंगे क्लियरली कि पुलिस कॉन्स्टेबल्स के ऊपर भी अटैक हुआ था, वीडियोस में क्लियरली दिख रहा है इस मामले पे। उसके बावजूद जो दो भी वर्ग के लोग हैं नहीं रुक रहे थे और स्टोन पेल्टिंग लगातार एक दो घंटे तक हुई थी और उसके बाद जाकर जब पुलिस की ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुई थी, जब कंट्रोल में आया था और सात लोगों को दो भी पार्टीज की तरफ से
सात लोगों को बहुत बुरी तरह सीवियर इंजरीज हुए थे, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे भर्ती किया गया। तो सात लोगों के जख्मी होने की खबर इस भिड़ंत में मिल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगह पर आगजनी भी हुई है, कई गाड़ियों को घरों में आग लगा दी गई है। लगातार पुलिस अपील भी कर रही है कि शांति बना करके रखिए, पुलिस वहां पर मौजूद थी, भारी डिप्लॉयमेंट था वहां पर। खैर पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे और ये जो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं वो गणेश विसर्जन के लिए जा रहे थे। सौमित, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताइए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि वो क्या बात थी जिसको लेकर बहस इतनी हुई और लगातार बढ़ता चला गया विवाद की भिड़ंत होने लग गई और आपस में लाठी डंडे चलाए गए। जी बिल्कुल, जब दो भी पार्टी के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, एपी के जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सीएम का भी कैंप ऑफिस है, वही गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्मर टीडीपी एमपीटीसी और प्रेजेंट वाईएसआरसीपी लीडर्स के बीच में एक बड़ा क्लैश होता और जब दोनों की प्रोसेशन, गणेश प्रोसेशन पास हो रहे थे और जब क्लैश ब्रोक आउट हुआ और जब फॉर्मर एमपीटीसी और अभी वाईएसआरसीपी के जो लीडर थे इन दोनों के बीच में जब क्लास स्टार्ट हुआ उसके बाद स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई और बाद में वाईएसआरसीपी लीडर्स ये अलर्ज कर रहे हैं कि टीडीपी लीडर्स उनको अटैक किया गया, पर टीडीपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि वाईएसआरसीपी लीडर्स उनका घर। तो सौमित, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ? पुलिस ने कुछ बताया कि कौन आरोपी है, किसने सबसे पहले हमला किया था, किस पार्टी के कार्यकर्ता ने? नहीं, पुलिस तो ये कह रहे हैं कि टीडीपी के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उनके घर में उनका फर्नीचर तोड़ा गया और वो जला दिया गया और उनके गाड़ियां भी जला दिए गए और सात लोग इसमें जख्मी हुए, उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, ये पुलिस की तरफ से सुनने में आ रहा है। और वाईएसआरसीपी की तरफ से तो उन लोग कह रहे हैं कि टीडीपी के लोग अटैक किए, मगर उनके तरफ से तो कोई घर ना जला ना ही कोई गाड़ी जली। ठीक है, शुक्रिया सौमित, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। तो तस्वीरों पर लगातार नजर बनी हुई है, अपडेट भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो इस हिंसा में सात लोगों के जख्मी होने की खबर है, एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया गया है, बहस के बाद विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। टाइम्स नाउ नवभारत आपसे अपील करता है कि आप लोग शांति बनाकर रखिए। तो गुंटूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गणेश विसर्जन के दरमियान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, आपस में पहले बहस होती है, उसके बाद नौबत आगजनी तक की आ गई, कई गाड़ियों को कई घरों में आग लगा दी गई, कई अलग अलग जगहों पर आगजनी की तस्वीरें भी कई अलग अलग जगहों से सामने आई हैं और सात लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। अभी तक पुलिस ने दीपिका किसी को भी हिरासत में नहीं लिया। बिल्कुल, अब पुलिस कब तक कौन सा बड़ा खुलासा करती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, लोगों के इकट्ठा होने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि गणेश विसर्जन के दौरान दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच क्लैश हुआ था किसी बात को लेकर के और उसके बाद बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने पर उतारू हो गए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी सौमित भी बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो टीडीपी के कार्यकर्ताओं को हुआ है, उनकी जान पर बात आ गई थी, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई, उनके घर के फर्नीचर को तोड़ा गया और साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है और आपसे अपील भी कर रहा है कि आप लोग शांति बनाकर रखिए। धारा 144 लागू कर दी गई है, जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है, जो हमारे सहयोगी सौमित हमें अपडेट दे रहे थे कि धारा 144 लागू है, लोग अब इकट्ठा नहीं हो सकते इस जगह पर। गणेश विसर्जन के लिए टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता निकले थे, उसके बाद एक छोटी सी बात को लेकर बहस होती है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, बहस हिंसक झड़प में बदल जाती। देखिए कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई है, बाइक की तस्वीर आप देख रहे हैं, कारों की तस्वीर आपने देखी, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, घरों में आग लगा दी गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है, डिप्लॉयमेंट एकदम से पुलिसकर्मियों का ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन कार्यकर्ता रुकते नहीं, शायद कानून का डर नहीं। बिल्कुल, टूर की तस्वीर आपको हम दिखा। बिल्कुल, जैसे ही ये घटना बढ़ती गई किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस फौरन ही मौके पर पहुंची और ऐसा लगा कि अब विवाद खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पर जो पार्टी
पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस वहां पर मौजूद थी, बावजूद इसके दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करते रहे। और साथ ही हमारे सहयोगी ये भी बता रहे थे कि कैसे सबसे पहले वहां पर एक दूसरे पर पथराव किया गया, बात बिगड़ गई, एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। और आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और उसके बाद जब पुलिस सूचना पाते ही मौके पर पहुंची, हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों ही पार्टी का कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के, टीडीपी के कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई।